विवाह में मांगलिक मंत्रों की बड़ी महिमा है। तो ये सुनिए और बहुत बातें लिखने को लायक हैं और आप लिख भी लेना। विवाह में बेटी के यहाँ तो पंडित जी सबसे पहले प्रथम वेदिम रचयित्वा, सबसे पहले वह दो वेदी बनावे। एक वेदी उत्तर में बनाई जाती है और एक वेदी दक्षिण में बनाई जाती है। जो वेदी उत्तर दिशा में बनाई जाती है उसके ऊपर नवग्रह पीठ की पूजा होती है और जो वेदी दक्षिण में बनाई जाती है उसके ऊपर हवन होता है, यज्ञ होता है। विवाह के समय कन्या पिता, विवाह के समय में कन्या का पिता स्नान करे। बिना स्नान करे पूजन वर्जित है, इसलिए विवाहित समय ही कन्या पिता स्नानतः, कन्या का पिता स्नान करे। और क्या करे, शुचि शुक्लाम्बरम धृत्वा, यानी ये ध्यान रहा जाए बेटी का जो पिता है वह पूजा के समय में वस्त्र सफेद ही पहने, ऐसा निर्णय हमारे ग्रंथों में है, पुराणों में है, हमारी स्मृतियों में है। ये नहीं काला नीला चाहे जैसा आप पहन लें, सूट बूट पहन करके चाहे जैसे बैठ जाए, नहीं। यदि आप बेटी को जीवन पर्यंत आनंद देना चाहते हैं तो शुचि शुक्लाम्बरम धृत्वा, धुला हुआ या नया वस्त्र और वस्त्र हैं वो श्वेत ही होने चाहिए इस पूजा में। ये उस दिन से पूजा आरंभ हो रही है जिस दिन वरात आती है, वर आता है, और ये उस दिन की है पूजा, है उसी दिन से आरंभ हो रही है। दूसरे दिन जब बेटी विदा होती है तब तक की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं।